आप सभी को नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? और देखिए, आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और नई वीडियो में नई बातें हैं ये कि गोल्ड के ऊपर ही ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको एक पहले भी वीडियो बनाई तो उसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का बारे में बताया था। तो और देखिए, और वीडियो में मैं आप लोगों को ये लॉन्ग करके ये इधर उधर घुमा के बताने की ज़रूरत नहीं है, साफ एकदम जो बारे में गोल्ड के बारे में बताना चाहता हूँ वो बताने आया हूँ और बताता हूँ वही। इसीलिए आप लास्ट तक वीडियो को देखना, वीडियो ना ज़्यादा लंबी होगी और ना ज़्यादा, और क्योंकि ये वीडियो में मैंने ये डिसाइड किया था आज बताने के लिए कि आप इन्वेस्ट किस में करें, गोल्ड कॉइन में या गवर्नमेंट के गोल्ड की स्कीम में या इसमें आप गोल्ड ज्वेलरी में। तो देखिए, गोल्ड के ज्वेलरी में काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हो आप तो वो ज़्यादा सही नहीं होता है। कारण क्योंकि उसमें आप जाते हो ज्वेलरी बनाने, तो एक तो ज्वेलरी में आपका जीएसटी लग जाता है 3%, प्लस मेकिंग चार्ज लग जाता है, और मेकिंग चार्ज आज के टाइम में कम से कम 7-8% से लेके करीबन 30% या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। वो आपके डिजाइन पे होता है कि आप कैसा डिजाइन बनवा रहे हो, और प्लस और अगर आप ये देखिए, और डिजाइन पुराने भी हो जाते हैं, तो कई लोग ये होता है कि माताएं बहनें होती हैं जो बोलती हैं कि ये डिजाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा। या जेंट्स के भी या लेडीज़ के भी कोई से भी गोल्ड की ज्वेलरी होती है उसकी डिजाइन वो बोलते हैं ये पसंद नहीं आ रहा, तो फिर दूसरा लेने जाते हैं। तो उसमें अगर वो बेचते भी हैं तो जीएसटी और मेकिंग चार्जेस उनके वो सब वेस्ट हो जाते हैं फिर, और उनका पुराना सोने का कुछ पैसे भी परसेंटेज भी कटता है, जिसमें 7-10-20-50% तक काटते हैं जो ज्वेलर्स होते हैं वो काफ़ी काटते हैं। फिर आपको बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है उस चीज़ पे। तो ये अगर ये आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हो तो इसमें बहुत ज़्यादा घाटा होता है, क्योंकि आपका तो एक जीएसटी आपको वो नुकसान हो गया बेचने गए तो, प्लस मेकिंग चार्ज आपका जो भी लगा वो नुकसान हो गया, प्लस आपका पुराना सोना कटता है जो वो नुकसान हुआ, तो आपको मिला कितना? पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा कम मिला। ठीक है, तो ज्वेलरी एक इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो आपको लेना है तो यानी एक ये जो आप गोल्ड कॉइन की तरफ जा सकते हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड की तरफ आप, लेकिन इसमें भी है जीएसटी लगती है और मेकिंग चार्ज ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लगता है, 1-2%, 3% यही लगता है, ज़्यादा मेकिंग चार्ज नहीं रखता। और ऊपर से आप इसे बेचने जाएं तो जीएसटी तो वो हो जाती है और मेकिंग चार्ज हल्का फुल्का होता है। और ये आप ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं तो ये ज़्यादा तौर पे ये आप दोस्तों ऐसा कीजिए, करीबन ये 6 महीने 1 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट गोल्ड कॉइन नहीं होता, ये करीबन अगर आप 5-10-20 साल के लिए 15 साल के लिए अगर कर रहे हैं तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, और काफ़ी ये इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है ये जो। और अगर आप, और इससे ज़्यादा बढ़िया स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की है, जो ये आप गवर्नमेंट की ये है और ये लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसमें ये आपको मेकिंग चार्जेस नील है, जीएसटी नील है, और ऊपर से आप इसे ये पेपर वर्क होता है, चोरी होने का डर नहीं होता है, बेनिफिट इसमें है। और अगर ये आप गवर्नमेंट के तौर पे अगर ये ख़रीद लेते हैं, ये ऑनलाइन होता है और ख़रीद लेते हैं बॉन्ड के तौर पे, तो फिर जितने भी ग्राम आप ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं, और ख़रीद लेते हैं तो फिर उसके बाद आप इसे रख देते हैं तो करीबन 3-3.5% गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट भी मिलता है, फ़ायदा है। तो आप देखिए आपको किसके किस में जाना है, अगर इन्वेस्टमेंट करती है करनी है तो किस पर्पज़ से करनी है। हाँ, आगे बच्चों की शादी के लिए आप गोल्ड बना के ज्वेलरी बना के रखना चाहते हैं तो वो एक ज्वेलरी भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो डिजाइन पुराने हो जाते हैं तो वो देख सकते हैं आप, तो देखिए। लेकिन मैंने आपको तीनों के बारे में बताया,
अब आपको जो अच्छा लगे वो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यही चीज़ के लिए मैंने सोचा था आपको ये जानकारी दूँ मैं आपको। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा, और आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछिएगा, मैं बाकायदा वो शेयर भी करूँगा आपको बातें, आपकी आपकी बातों का जवाब भी देने की कोशिश करूँगा काफ़ी। ठीक है, और आप जो भी अगर कुछ जानकारी लेना चाहें गोल्ड के पर्पज़ पे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं हूँ लोकेश वर्मा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।